नमस्कार दोस्तों, टूरिज्म रीडिफाइंड के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मंडला की अगली कड़ी में हम आए हैं नैनपुर स्टेशन, जो एशिया में नैरो गेज का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन हुआ करता था। यद्यपि इसे अब ब्रॉड गेज में बदल दिया गया है। सतपुड़ा लाइन्स के अंतर्गत आने वाले इस स्टेशन की यादों को भारतीय रेल ने संग्रहालय के रूप में सहेज कर रखा है। आइए इस संग्रहालय को देखते हैं और यहाँ से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं। आइए मित्रों, आपका स्वागत है मंडला के नैनपुर में स्थित एशिया के सबसे बड़े नैरो गेज के जंक्शन में। तथापि अभी नैरो गेज का जंक्शन अब नहीं रहा, क्योंकि यहाँ ब्रॉड गेज में परिवर्तित हो गया है। इस जगह पर आइए और इस म्यूजियम के दर्शन जरूर करें। ये म्यूजियम इंजीनियरिंग के पूरे जो है तकनीकों पहलुओं पर आधारित ये बहुत बड़ा म्यूजियम यहाँ स्थापित किया गया है। तो मित्रों, ये जो लाइन थी सतपुड़ा लाइन के नाम से जानी जाती थी, इस लाइन में देवगढ़, चांदागढ़ और मंडला फोर्ट यानी गोंड कालीन साम्राज्य के तीनों जो है राजधानियों को जोड़ने वाली ये सतपुड़ा लाइन, ये सतपुड़ा रेंज से जुड़ी हुई पूरी रेल लाइन है। ये नैरो गेज रखने का कारण ये होता था कि नैरो लाइन से जो ट्रेन होती थी उसका जो चौड़ाई कम होने से बाहर के जो है विहंगम दृश्य या सुंदर दृश्यों को, प्राकृतिक दृश्यों को आप देख सकते हैं। सतपुड़ा की वादियों से होकर जब ये ट्रेन गुजरती थी तो लोगों में एक रोमांचक अनुभव होता था। ये जो है लाइन सतपुड़ा लाइन, इस लाइन में आप ये देखेंगे इससे आप कान्हा नेशनल पार्क, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड, यहाँ तक कि रुपयार्ड किपलिंग के द्वारा जो मोगली लैंड आपने सुना होगा, ये बखारी से जुड़ी हुई कहानी, और मोगली लैंड, पेंच नेशनल पार्क, फेन अभ्यारण, और नागपुर जाने के लिए भी इस रास्ते का प्रयोग किया जाता था और अब बड़ी लाइन के रूप में भी प्रयोग किया जाएगा। लेकिन आपकी स्मृतियों में रह गया सतपुड़ा एक्सप्रेस आज भी यहाँ मौजूद है, और वैसे ही टीसी, टिकट कलेक्टर, स्टेशन मास्टर आपका टिकट लेंगे, काटेंगे और आपको एक प्रत्यक्ष जो है अनुभूति कराएंगे। आइए मित्रों, स्वागत है इस बृहत स्थान पर। प्रवेश द्वार से प्रवेश करते ही दाईं ओर पार्किंग के लिए निर्धारित स्थल एवं इसके सामने टिकट काउंटर है, जहां निर्धारित शुल्क अदा कर टिकट लिया जा सकता है। इसके बाद सतपुड़ा लाइन्स का नक्शा बना हुआ है, जिसमें सतपुड़ा एक्सप्रेस के समस्त गंतव्य स्थानों को दर्शाया गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते ही संग्रहालय का मुख्य द्वार है, जहाँ से संग्रहालय में प्रवेश किया जा सकता है। प्रवेश द्वार पे ही एक जेडी क्लास का स्टीम इंजन रखा हुआ है, जो विशेषकर नैरो गेज के लिए प्रयुक्त होता था। जबलपुर से बालाघाट जाते समय नैनपुर स्टेशन पड़ता था, तो यही नैनपुर स्टेशन इस नैरो गेज की लाइन में जो पड़ता था, तो बालाघाट वालों को और मंडला वाले लोगों के लिए एक बहुत ही खलने वाली बात थी कि सतपुड़ा एक्सप्रेस, वो नैरो गेज, वो सुनहरी वादियां जिससे सतपुड़ा और पेंच और कान्हा को दर्शन करने के लिए जाने वाले लोगों को एक मनोरम दृश्य दिखता था जिस नैरो गेज से, वो सतपुड़ा एक्सप्रेस सबकी यादों में आज भी अच्छी और बुरी यादों के साथ जुड़ा है। लेकिन लोगों को वो विहंगम दृश्य और उससे दिखने वाले दृश्यों को लेकर आज भी जो है यादें ताजा करने के लिए हमारे बीच में आज भी सतपुड़ा एक्सप्रेस खड़ी है मित्रों, और इस पर आज अपनी उन यादों को ताजा कर सकते हैं। और ये जो स्टेशन है, इस स्टेशन का नाम भी रखा गया है सतपुड़ा नगर स्टेशन। यहाँ पर जो टीटी महोदय या टिकट कलेक्टर महोदय हैं, ये आज भी जो है खड़े रहकर ही जो है टिकट जो है चेक कर रहे हैं, और साथ में बिना टिकट यात्रा करने वाले को ये संदेश भी दे रहे हैं कि यदि आप बिना टिकट यात्रा करेंगे तो एक अपराध की श्रेणी में आता है, जिसे रेलवे के अंतर्गत आपको सजा दी जा सकती है रेलवे कानूनों के अंतर्गत। आइए मित्रों, अब हम दर्शन करते हैं म्यूजियम के और अन्य दृश्यों का। संग्रहालय में मौजूद डीजल से चलने वाली यह सतपुड़ा एक्सप्रेस 40 डिग्री के बेंड में पूरे संग्रहालय का चक्कर लगाती है। यहाँ मौजूद सर्व सुविधा युक्त एसी रेस्टोरेंट ट्रेन पर्यटकों के मध्य विशेष आकर्षण का केंद्र है। इस संग्रहालय में 3 आर्ट गैलरी हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के मॉडल, भारतीय रेल एवं नैरो गेज से संबंधित विभिन्न छायाचित्रों का बहुत ही सुंदर प्रदर्शन किया गया है। इसके अतिरिक्त डीजल एवं स्टीम इंजन के अनेक मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं, जिसमें विशेषकर सीसी क्लास स्टीम इंजन एवं डीजल इंजन महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त इन्हें संचालित करने हेतु भारतीय रेल द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरणों का तथा नैरो गेज के लिए प्रयुक्त होने वाले पुलों का विशेष संग्रह। आइए मित्रों, मिलते हैं इस जो म्यूजियम का जो पूरा कंस्ट्रक्शन जिनके तकनीकी निर्देशन पर हो रहा है, अखिल त्रिपाठी जी से। ये जबलपुर के रहने वाले हैं और इन्हीं के मार्गदर्शन पर ये जो है वृहद जो है म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। सर,
प्लीज इस म्यूजियम के विषय में हमें कुछ जानकारी दें। ये नैनपुर रेल एशिया का बिगेस्ट छोटी लाइन का वो था नैनपुर। अब छोटी लाइन तो बंद हो गई यहाँ पे, तो हमारे रेलवे के कुछ अधिकारियों ने, जीएम साहब ने ये सोचा कि कुछ रेलवे के द्वारा नैनपुर को धरोहर के रूप में दिया जाना चाहिए। उस धरोहर के नाम पे ये 10 एकड़ का म्यूजियम रेलवे के द्वारा बनाया गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि रेलवे से संबंधित, नैरो गेज से संबंधित आपको सारी झांकियां यहाँ पे, ये 3 म्यूजियम बिल्डिंग है, 53, 73 और एक ये पीछे आप देख रहे हैं मेरे न्यू बिल्डिंग है, ये भी अभी नया कंस्ट्रक्शन है। इन तीनों बिल्डिंगों में रेलवे के द्वारा एक गैलरी आर्ट टाइप का लगाया गया है, अभी आपने उसको देखा होगा जी। तो सारी जानकारी आपको उसके अंदर मिल जाएगी जी हाँ। और ये 550 मीटर का एक रेलवे ने अंदर, ये आप देखेंगे पीछे ट्रैक डाल के रखा हुआ है जी, जी। ये 40 का कर्व है, इंडिया में सिर्फ यहीं पे हैगा। आपको ये शाम को 3 बजे से ट्रेन चालू होती है, पैसेंजर के लिए 10 रुपए इसका टिकट रखा गया है। पूरा म्यूजियम का एक राउंड वो करा के देती है। बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क बन रहा है। ये टनल रेलवे ट्रैक के नीचे, ये रेलवे ट्रैक के लिए टनल बनाए गए हैं, 3 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, सामने टिकट काउंटर है, ये पूरा गार्डन बनाया जा रहा है, सारी सुविधाएं दी जा रही है। मैं आपने बोला ये पूरा 360 डिग्री पे जो रेलवे ट्रैक बिछा हुआ है इस पर 4-0 का कर्व है। हाँ, 4-0 का कर्व है, पूरा 360 डिग्री घूम कर बिल्कुल। तो इस पे जो है लोगों को प्रत्यक्ष मजा ले सकते हैं, बैठ सकते हैं जैसा आपने बताया, बिल्कुल टिकट लेके घूम सकते हैं लेके जी। वाटर पूल वगैरह भी बने, वाटर पार्क। हाँ, ये सर यहाँ पे क्या जैसे अपन बोलते हैं लाइट एंड साउंड शो जो होते हैं वो भी होने का? अभी कुछ नहीं है, ये ओपन थिएटर के लिए ये स्पेस लिया गया है जी जी। ये आप स्पेस देख रहे हैं, ये ओपन थिएटर है। इन फ्यूचर चल के ऐसा कुछ प्लान है, लेकिन अभी तो उसमें टाइम लगे। ओवरऑल रेलवे से रिलेटेड जितने पार्ट से जी जी आपको सब यहाँ मिलेगा जी जी जी। और इंजीनियरिंग का पूरा हिस्ट्री वगैरह भी, और इंजीनियरिंग के नमूने भी यहाँ दिखाए गए, एसएनटी इंजीनियरिंग सब जितने डिपार्टमेंट है सबका इन्वॉल्वमेंट है जी जी। आपको रेलवे के अंदर की हर एक जानकारी यहाँ मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना इतना कीमती समय दिया। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और इस सीरीज के अगले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।